हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज आ गई हूँ मैं आपके पास फिर से एक शानदार टिप्स लेके कि जिस हिसाब से मौसम चल रहा है और जिस हिसाब से हमारी जितनी भीषण गर्मी चल रही थी, तपती लू चल रही थी, तो हमारे पौधों का क्या हाल हो गया है। अब उसके बाद हमारा बरसात का टाइम आ गया है, तो बरसात में हमको क्या ट्रीटमेंट करने हैं अपने प्लांट की। हर सीजन के अनुसार हम लोग अपने पौधों के ट्रीटमेंट बताते ही रहते हैं। तो मेरे पास ये थाली रखी हुई है और थाली में आप देख सकते हैं मैंने क्या खाना लगा रखा है। अब खाना तो आप जब मेरी पूरी फुल वीडियो देखेंगे तभी आप पता चलेंगे ये आपको नई डिसाइड चीज लग रही होगी, कुछ बिल्कुल नई यूनिक चीज है। तो हाँ, ये यूनिक चीज है मेरे पास और ये तो समझ ही गए होंगे क्या है। और ये आपको समझ में जब मेरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, ये भी आपको जब मेरी वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा मैं इनका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, कैसे तरीके बताने वाली हूँ, वो जब आप वीडियो फुल वॉच करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड, आ गई हूँ मैं, आज मैं आ गई हूँ गुड़हल की टिप्स लेके। मैं आपके पास 3 गुड़हल लेके बैठी हूँ, हाइब्रिड क्वालिटी का बैठी हूँ, देसी गुड़हल बैठी हूँ। और हाइब्रिड गुड़हल में क्या ट्रीटमेंट करना है, दे कलर का। ये देसी गुड़हल रखा है रेड कलर का, ये देसी गुड़हल रखा है पिंक कलर का। तो 2 गुड़हल देख लीजिए, ये गर्मी में इनकी क्या हालत हो गई आप देख सकते हैं। और हाइब्रिड गुड़हल हमारा जो बहुत अच्छे ब्रांडेड वाले फूल होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के फूल देते हैं। तो ये देख लीजिए, मेरे इस समय पूरी गर्मी, तपती गर्मी में भी मैंने आपको हर महीने गुड़हल की रिपोर्ट दी है और सारे गुड़हल की आपको रिपोर्ट देती गई हूँ। और आपने देखा है मेरे कैसे छकाछक फूल, गजब के, कम से कम 10-10 20-20 हर डंगाल में फूल आते थे और मैंने आपको रिपोर्ट भी दी है। तो ये झूठी तो नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी में ये पेड़ कर दिए हैं और ये पूरे हर मौसम में फूल दे, ये हर मौसम में फूल दे, तो इसकी मुझे आज आपको जानकारी देनी है। तो हमें क्या करना है, बरसात अब हमारा आ गया है टाइम, बरसात और गर्मी धीमे धीमे थोड़ी सी कम हो रही है। तो गर्मी में क्या हुआ है हमारे गुड़हल में, ये देखिए, ये मेरे छकाछक फूल आए जरूर हैं देख लीजिए, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो गई है। मतलब कि ये हमारे छोटे साइज हो गए, काफी बड़े साइज के थे। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या, ये पत्ते हमारे मुड़े मुड़े से आ रहे हैं, देख लीजिए सारी डंगल में इसके पत्ते मुड़ गए हैं, ये देखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, सॉफ्ट पंचिंग करनी है। सॉफ्ट पंचिंग किसको कहते हैं, अब जितना हमारा पेड़ ये हरा हरा दिख रहा है, आपको पूरा पेड़ खाली नहीं करना है। जहां जहां आपको पत्ते दिखे हैं, हमारे पत्ते मुड़ रहे हैं, उन पत्तों को तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि वो एक रोग लग गया है। गर्मी की शिकार तो हुआ ही है, बाकी उसमें फिर रोग लग जाता है धीमे, जब हमारा पौधा कमजोर हो जाता है, नींव कमजोर हो जाती है इस चीज की, तो धीमे धीमे उसमें रोग लगने लगते हैं। तो इन सब की अब हमारी नींव कमजोर हो गई है, हमको इसको मजबूत दोबारा से बनाना है, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना है। तो हमें क्या करना है, जितने हमारे इसमें पत्ते मुड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं जितने पत्ते मुड़े मुड़े हैं, उनको पत्तों को कट कर देना है। सारे पेड़ से पत्ते बिल्कुल मत कट करिएगा। अगर आप सारे पत्ते, मैंने इसकी कोशिश करी थी, तो जो क्या होता है, हम लोग जब ऊपर से सारे पत्ते साफ कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारे पौधा तो वैसे ही हमारी जड़ कमजोर हो चुकी होती है, और जैसे ही हम उसके पत्ते से उसे थोड़ी ताकत मिलती है, और जैसे ही हम पत्ते पूरे हटा देते हैं तो हमारे पेड़ धीमे धीमे खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जड़ भी हमारी धीमे धीमे सड़ जाती है। तो ये काम हमको बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस जहां देखना है, जहां आपके पत्ते मुड़ रहे हैं, बस उन्हीं पत्तों को आपको हटाना है, सारे पत्ते नहीं हटाने हैं। और जैसे ये देखिए, यहाँ मेरे इसमें ऊपर में भी मेरे मुड़ आ रहा है, तो मुझे ये सॉफ्ट पंचिंग करनी है। सॉफ्ट पंचिंग ये देखिए, क्योंकि ये डंगाल भी पूरी मुड़ गई थी, देखिए यहाँ भी मुड़ गई है ये भी। तो ये हमारे रोग हो गए हैं गुड़हल के, गर्मी के शिकार के सारे रोग हो चुके हैं। तो हम लोग को कमी भी हो गई है, और हमारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं सबकी हमारे गुड़हल में कमी हो गई है। तो हमको इस तरह से जितने भी आपको जो कमी गुड़हल में दिख रही हो, तुरंत तुरंत उसको कटिंग कर दीजिए। कटिंग सबसे पहले हमारी सबसे बेस्ट टिप होती है। अब ये मेरा देख लीजिए, दिखने में बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल पत्ती इसके कहीं से नहीं मुड़ी है, लेकिन ये हमारे भर भरा के फूल दे चुका है। और दोबारा फूल आने के लिए हमको इसकी सॉफ्ट पंचिंग करनी है, क्योंकि ये मेरे अभी लगातार इसमें फूल आए हैं। तो मैं क्या करना है, इसकी कम से कम 3 इंची, ये देख लीजिए 3 इंची कितनी सुंदर है, कहीं से भी आपको मुड़ी नहीं दिख रही है, मतलब ये हमारा कोई खराबी नहीं आई है इसमें। लेकिन हम, मैं आपको 3 तरीके की चीजें दिखा रही हूँ, ये मैंने आपको इसीलिए कट करके दिखा दी है, क्योंकि ये हमारी कट करनी बहुत जरूरी है। नहीं कट करते तो हमारे इसमें फूल जो भर भर के इसमें लगातार में इतने सुंदर लाल फूल आए थे, मैंने आपको कई वीडियो में दिखाए हैं, तो ये मेरे प्रॉपर फूल फिर से दोबारा आने लगे। इसके लिए हमारी कट करना बहुत जरूरी होती है, मतलब सॉफ्ट पंचिंग। ये सॉफ्ट पंचिंग होती है हार्ड पंचिंग, जब मैं यहाँ से करूंगी, मतलब काफी मैं, मतलब हद तक कम से कम 4-5 इंची कटिंग कर दूंगी, तो ये हार्ड हमारी हो जाती है। तो यहाँ से मैंने एक कटिंग कर दी है, इस तरह से मैं इस गुड़हल को मैं बिल्कुल नहीं हाथ लगाऊंगी, बस इसकी मैं मट्टी में देखभाल करूंगी, क्योंकि यहाँ से जो इसकी पत्तियां अपने आप ही खत्म हो चुकी हैं और कुछ खराब चीजें ऐसी बची नहीं है, मैं तो काटूं क्या इसकी। जो आपको समझ में आए, जो चीज खराब हो गई है, बस उतना उतना पत्ती काट दीजिए जो मुड़ मुड़ रही हो, क्योंकि ये हमारा पेड़ काफी कमजोर हो चुका है, इसको दोबारा से हसपुस बनाना है। हसपुस बनाने के लिए हमको इसमें, जहां आपको लगे हमारी काफी डंगाले सड़ गई, मेरी तो पेड़ ऐसे ठीक है, हरापन है पूरा और पत्तियां भी नीचे से काफी निकल आई हैं, और ये मैं बरसात में अभी रख दूंगी। पानी में इसको रखना है, लेकिन हमें ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखना है,
आप अपने गमले में ड्रेनेज होल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बरसात में सबसे ज्यादा ड्रेनेज होल का ही सब खेल होता है। हम लोग कितना खाद पानी देते हैं, लेकिन अगर ड्रेनेज होल हम लोगों ने चेक नहीं किया, हम लोग को हर 4 दिन में अपने गुड़हल में, चाहे और भी कोई भी गमला हो, बरसात में आप देख सकते हैं मेरे ढेर सारे गमले रखे हैं, मैंने पानी में रख दिए हैं, लेकिन जो प्लांट हमको पानी में रखने हैं वही हमको पानी में रखने हैं। हर टाइम हमको सारे गमले पानी में भी नहीं रखने हैं, नहीं तो वो भी हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। जितना पानी का पानी हमारा बरसातों के सबसे ज्यादा, आप ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए अपने गमले के, कहीं आपके ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गया। सबसे पहला टिप मेरा यही है गुड़हल का, ये देखिए इस तरह से मेरा, देखिए पूरा औजार एक पतला से ले लीजिए, पूरा औजार आपका अंदर जाना चाहिए, मतलब आपका ड्रेनेज होल सही है, बंद नहीं हुआ है। तो ये बहुत जरूरी वर्क होते हैं हम लोग के, बरसात के टाइम बहुत जरूरी वर्क होते हैं। तो ये मैंने देखिए ड्रेनेज होल सबसे पहले चेक कर लीजिए, सबसे पहले ड्रेनेज होल चेक किया जाता है। सारे गमलों के अपना ड्रेनेज होल चेक करिए, खूब अच्छे से औजार उसके अंदर डालिए, मतलब कि आपका ड्रेनेज होल अभी जाम नहीं हुआ है, और उसको जाम बिल्कुल होने भी मत दीजिएगा, नहीं तो आपका धीमे धीमे पौधा सड़ने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है आपकी मट्टी में कहीं काई तो नहीं लगी है। हम लोग तो खैर प्रॉपर आपको बताते ही रहते हैं, तो झूठ तो नहीं बोलते हैं। मेरे पास 3 गमले रखे हैं, तीनों आपको गुड़ाई करे हुए दिख रहे होंगे, और ये नहीं कि मैंने अभी तुरंत करी, क्योंकि जाम भी हो रखी है मट्टी, तो ये मैंने 3-4 दिन पहले गुड़ाई करी थी। तो हम लोग को बरसात में तो हम लोग रोज पानी बरसता है, तो रोज तो गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन पानी बंद हो जाएगा आप मौके का तुरंत तलाशिए, जैसे ही पानी बंद हो तुरंत देखिए आपके पौधों में काई वाई तो नहीं जम गई, मट्टी तो नहीं जम गई है, तुरंत उसमें गुड़ाई, पानी में प्रॉपर बराबर देसी गुड़हल रख दीजिए, ये वाला गुड़हल रख दीजिए बराबर पानी में, लेकिन हाइब्रिड वाले क्वालिटी का बराबर पानी में नहीं रहेगा, 4-5 दिन आप उसमें पानी में रख सकते हैं। इसके बाद आपको उसका ख्याल रखना है, ज्यादा इसमें पानी मत पड़ने दीजिए, ज्यादा इसमें पानी पड़ेगा तो धीमे धीमे इसकी जो शक्ति होगी, जो इसमें बराबर जो हाइब्रिड मेरे परमानेंट फूल आते रहे हैं, इतने ज्यादा फूल आए हैं इसमें, तो वो धीमे धीमे फूल आमे धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लगातार जब पानी बरसता है तो हमारी मट्टी जो होती है, पीएच लेवल जो होता है, पीएच लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। पीएच लेवल डाउन होने के चक्कर में हमारा धीमे धीमे गुड़हल धीमे धीमे खराब होने लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, मैंने गुड़ाई प्रॉपर कर ली है, इस आईडी बता सकती हूँ, नीला थोथा बोलते हैं इसको, वैसे तो नीला थोथा ही बोलते हैं, किसी भी दुकान में मिल जाएगा आपको। तो ये नीला थोथा खड़िया जैसा होता है, ये मैंने खड़िया जैसा ले रखा है, अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसका जरा सा ऐसी टिकिया टाइप की मैंने ले रखी है, और जरा जरा सा मैं चुटकी इसका क्या करती हूँ, हल्का सा मैं आपको दिखा रही हूँ मैं खास तौर से, क्योंकि मैंने तो और चीजें भी इसमें रखी हुई है। अगर आप बाजार की चीजें फंगीसाइड यूज करते हैं तो आप बाजार की चीजों का, ये नीला थोता है, नीला थोता नाम के ही उससे मिलता है, और जो साफ होता है, साफ करके कुछ आता है, वो भी ले सकते हैं। तो ये फंगीसाइड इस तरह का आपको जड़ में हल्का हल्का इस तरह से डाल देना है, क्योंकि बरसात में काफी हमारे कीड़े आ जाते हैं जो हमारे जड़ को धीमे धीमे खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ले रखी है यहाँ पे राख, और ये राख मैंने कौन सी ले रखी है, मैंने ना कंडे की राख ली है, ना मैंने लकड़ी की राख ली है, मैंने ये ली है कछुआ छाप, जो हम लोग के यहाँ मच्छर भगाने का रोज परमानेंट मच्छर, बरसात में बहुत मच्छर आते हैं तो हमारे यहाँ परमानेंट कॉइल जलती रहती है, तो उसको मैं प्लेट लगा देती हूँ और उसमें पूरी राख इकट्ठे कर लेती हूँ। तो ये हमारी कछुआ छाप राख है, इसमें 100% हमारी रोगों की क्षमता लड़ने की शक्ति होती है। तो ये राख हम लोग को कम से कम इस तरह से हर गमले में जितना आपका गुड़हल है, जितना गुलाब है, मोगरा है, जो जो आपका मुट्ठी, आपको ये पूरी राख छिड़क देनी है। अब मैं यहाँ पे ले आई हूँ सबसे रामबाड़ तरीका, जो हम लोग का पौष्टिक आहार है, जो हम लोग की ग्रीनिश पत्तियां हैं, जो हम लोग की कलियां बड़ी बड़ी सी आ रही हैं, भी कलियां आएंगी, जिस पत्ते में मुड़ गए हैं पत्ते, उन पत्तों को रोकेगा और हमारी मोटी मोटी कलियां पैदा करेगा। तो ये हमारी आ गई है कॉफी। कॉफी हम लोग की गजब की होती है, ये आपको अपना कॉफी मतलब समझ लीजिए, ये अगर हमने कॉफी डाल दी तो हमें किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 1 चम्मच बस कॉफी डाल दीजिए, एक जो हम लोग का 2 रुपए का पाउच है, मैंने इसीलिए पाउच यहाँ पे रखा हुआ है दिखाने के लिए आपको, ये देखिए ये 1-1 रुपए का पाउच है, मैंने 2 पाउच खाली किए हैं क्योंकि मेरे पास 3 गुड़हल रखे हुए हैं। तो इसमें आपको आधी आधी चुटकी चुटकी मतलब 1-1 पैकेट का आधा आधा पैकेट आपको गुड़हल में डाल देना है, सारे गुड़हल में डाल दीजिए, जिससे कि हमारा पौष्टिक, अभी मैंने उसमें गुड़ाई नहीं करी तो उसमें बाद में डालूंगी, इसमें डाल देती हूँ। तो ये हमने इस तरह ये मैंने ले रखा है। बरसात में क्या होता है, हम लोग ना कोई फर्टिलाइजर दे पाते हैं, ना सब्जियों का दे सकते हैं, ना दाल का पानी दे सकते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर, जो हम लोग के पौष्टिक आहार होते हैं हमारे, रोज जैसे हम लोग खाना खाते हैं उस तरह से हम लोग को रोज इनको फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है। हर 4 दिन में 6 दिन में 10 दिन में 1 बार फर्टिलाइजर देते हैं, बरसात में वो काम नहीं कर पाते हैं। बरसात में धीमे धीमे हमारे पौधों की बिल्कुल मट्टी धीमे धीमे खत्म होने लगती है, क्योंकि हमारी ताकत खत्म हो जाती है, जितना पानी बरसता है उतने करना है। सबसे पहले काम, जब पानी ना बरसे आपको गुड़ाई करनी है, गुड़ाई करने के बाद ये मैंने हमेशा, मैं बरसात के टाइम इसका यूज करती हूँ, क्योंकि हम लोग उस समय केले का छिकल यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोग के पास डीएपी के दाने हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बरसात में, लोग डीएपी के दाने जरूर डालते हैं। डीएपी के दाने भी अगर डाल देंगे तो भी हमारा पौधों को 100% 1000 फूल देने में कोई नहीं रोक सकता है। डीएपी के दाने में बहुत ताकतफुल होती है,
तो डीएपी की दाने की जगह मैंने ये केले के छिकल और लेमन के छिकल का पाउडर बना के रखती हूँ। बरसात में हमारा रामबाण उपाय होता है ये, देख लीजिए इसमें रेसे भी दिख रहे होंगे। तो ये मेरा केले का छिकल और लेमन का छिकल है, तो ये हमको एक एक चम्मच हर गमले में डाल देना है। एक चम्मच की जगह आप दो चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि बरसात में इस समय हमारे इस समय बहुत जरूरत है इनकी प्रोटीन, पूरे 100% प्रोटीन विटामिन हर तरह के जितने पोषक तत्व होते हैं उसकी जरूरत है इसमें, तो मैंने आपके सामने दे दिए हैं। अब लास्ट हमारे जैसे बरसात आ गई है, बरसात का ही ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। बरसात में अधिकतर ऐसे कीड़े आ जाते हैं, स्लग बोलते हैं जिसको, स्लग भी बोलते हैं और स्नेल भी बोलते हैं। वो कीड़े हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन धीमे धीमे इतने इतने जरा जरा से केंचुए टाइप के होते हैं। केंचुए हम लोग का 100% मट्टी का वरदान होता है, तो स्लग हमारा बिल्कुल श्राप होता है पौधों के लिए। जहां आपको दिख रहे हो आपके मट्टी में स्लग आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपनी मट्टी चेक आपको हर रोज करनी है, हर 2 दिन में मट्टी चेक करनी है। तो आपको ये एक एक टैबलेट हर गमले में डाल देनी है, एक की जगह आप 2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग की समझ लीजिए 100% रामबाण कीड़े मारने की दवाई होती है। जब कीड़े ही नहीं रहेंगे तो हमारे फूल बढ़ने की क्षमता अपने आप ही इसमें तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सब मेरे आज के उपाय थे फ्रेंड, कमेंट में जरूर बता दूंगी मैं हमेशा हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ और तुरंत करती हूँ। तो फ्रेंड चलती चीजें लेके आ गई हूँ, देख सकते हैं मेरे हाथों में क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये हमारी गर्मियों का, चाहे हम लोग का शरीर हो चाहे हम लोग के प्लांट हो, ये रामबाण इलाज होता है गर्मियों का और बरसात का। बरसात में भी ये समझ लीजिए 100 गुण संपन्न होता है, 100 बीमारियों का एक दवा होती है, समझ लीजिए 100 बीमारी की एक दवा ये है जामुन। देख सकते हैं मेरे पास जामुन लिए हुए मैंने, और ये जामुन क्या कमाल दिखाते हैं ये तो आप बता ही रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से की लेके आई हूँ। और इनकी गुठलियां जो हम लोग फेंक देते हैं, उन गुठलियों का ही चमत्कारी गुण है ये। तो ये देखिए मैंने गुठलियों का ये पाउडर बना रखा है, ये जामुन की गुठली है और गुठलियों का पाउडर मैंने बना दिया है। इस पाउडर को भी मुझे एक एक चम्मच इनकी जड़ों में डालना है। तो ये मैं गुठली का देख लीजिए, ये गुठली मैंने अच्छे से पीस ली है, मिक्सी में आप सुखा के इसको पीस सकते हैं। मैं इसको हमेशा बरसात में बहुत ही काम है लेके आती हूँ, और मैं जितने भी फूल और फल वाले मेरे प्लांट होते हैं उनमें मैं ये चमत्कारी गुठली का पाउडर डाल देती हूँ। तो बस मुझे ये देखिए मैंने इस तरह का चुटकी भर ये पूरी 1 चम्मच, आप चाहें तो 2 चम्मच भी, जिसको फूलों की बारी, जिसके प्लांट में बिल्कुल भी फूल ना आ रहा हो, जिनके प्लांट में बिल्कुल कलियां आके गिर जाती हैं, जिनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं, उन सबके लिए ये रामबाण उपाय हैं और गुठली के चमत्कारी गुण हैं। तो अब होगी फूलों की बरसात, पानी की बरसात जैसे होती है, रिमझिम रिमझिम इतना तेज पानी बरसता है, तो वैसे ही हमारे गुड़हल के फूलों में भी इतनी बरसात होगी, फूलों की इतनी बरसात होगी कि शायद आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये गुठली हमारी इतने फूल बरसा सकती है। तो बस एक बार अजमा के देखिए, फिर आप बॉबी के गुण गाते रहिए। ओके फ्रेंड, तो मेरी यही सब आज की टिप्स थी, देख लीजिए गुड़हल में कितनी चमत्कारी चीजें लेके आई, कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा, वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा बता सकती हूँ। ओके फ्रेंड, बाय बाय।